जैसे कि पता है आपका भाई पूरा पाकिस्तान स्लो स्लो कवर कर रहा है, तो आज आपका भाई पहुंच गया वजीराबाद में। वजीराबाद की सबसे फेमस है ये छुड़ियां वगैरह। फिर उसके बाद आपके भाई ने ट्राई की ये फिश, और ये फिश सबसे ज़्यादा फेमस है पूरे पाकिस्तान में, बहुत फेमस है। इसका नाम है मुख्तियार फिश भाई। तो इसकी आपके भाई ने ट्राई की मुश्का फिश, क्योंकि ये बहुत आला थी। और यार पूरे मतलब मैंने जितना भी सुना है ना कि वजीराबाद जाओ तो ये फिश लाजमी ट्राई करो, क्योंकि इसकी एक डिफरेंट वाइब है। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। जैसे कि आपको पता आपका भाई ना कराची और पाकिस्तान के छोटे छोटे शहरों को डिस्कवर कर रहा है और आपको बता रहा है। जैसे कि आपके भाई ने पूरा कराची डिस्कवर किया है, पूरे कराची के एक एक खाने की लोकेशन बताई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं वजीराबाद में। वजीराबाद जो है वो मशहूर तो चम्मच कांटे और जो कैंची वगैरह होती है इस चीज़ों से मशहूर है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो यहाँ से, सिटी पार्क है वजीराबाद का, और काफ़ी फेमस पार्क है जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो अभी हम यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं वजीराबाद के सिटी पार्क से, और काफी खूबसूरत पार्क है। कि भाई ना आपके लोगों के लिए इधर डिस्कवर करे एक एक शहर छोटा छोटा, तो उसमें आपका भाई जैसे ही कहीं पहुंचता है तो फिर निकलता है गाड़ी से और फिर आप लोगों के लिए क्लिप बनाता है। तो इसलिए आपके भाई का फेस थोड़ा थका थका जैसा लग रहा होगा नींद वाला, तो वो जरा इग्नोर करना और वजीराबाद को इंजॉय करो भाई, मेरे साथ आओ भाई। आपका भाई पहुंच चुका है ये रेलवे वजीराबाद में। जो आपका भाई कह रहा था ना यहाँ की छुरिया और कैंचियाँ बड़ी मशहूर है मतलब यहाँ की, तो यहाँ पर आपका भी पहुँच गया। थोड़े कैंची छुरियों के शॉट दिखाते हैं, फिर आगे चलते हैं मुख्तियार फिश वाले के पास और जग बर्फी वाले के पास। तो भैया यहाँ की सबसे फेमस चीज़ है, यहाँ पर फूड से ज़्यादा फेमस इनकी ये है, और ये वो सारा कैंची और ये छुरियाँ वगैरह ये आप देख लो। तो फिर अभी यहाँ से आगे चलते हैं मुख्तियार फिश ट्राई करने करने, आ जाओ भाई। भाई अभी इंतजार खत्म होता है, आपका भाई पहुंच चुका है यहाँ पर मुख्तियार फिश में, और यहाँ की वजीराबाद की सबसे मशहूर फिश है। तो चलते हैं अंदर बैठ के फिश ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है, फिश कैसी है खाने में, अपने कराची के लेवल की है या नहीं है, या इसका कोई अलग ही डिफरेंट टेस्ट है। तो अभी चलते हैं फिश खाने और आपको फिश के थोड़े शॉर्ट दिखाता हूँ, कौन कौन से फिश है ये भी पता करके बताता हूँ। भाई ये सब फिश लगी हुई है, अभी इनसे पूछते हैं कौन कौन सी फिश है। ये कौन कौन सी फिश है, कौन कौन सी फिश है? ये हमारे पास काला रोग है। कौन सी है? काला रोग। काला रोग और ये बाम है। बाम। ये मुश्का है। ये मुश्का है और ये सोल है। ये क्या क्या हिसाब है? ये जो ये 1400 रुपए किलो है। ये बाम काला रोग, काला रोग 1400 रुपए किलो है। बाम 1800 रुपए, बाम 1800, और मुश्का जो 2000 रुपए किलो है। भाई आपकी सबसे मशहूर फिश कौन सी है? हमारे तो ये सारी वैरायटी चलती है, सारी वैरायटी चलती है भाई, जबरदस्त। ये फिंगर बोनलेस है, ये फिंगर बोनलेस है। तो अभी हम ट्राई करते हैं बोनलेस फिश ट्राई करके आपको बताते हैं कि इसके क्या सीन। भाई आपका भाई आया है दिन में, तो इधर रश थोड़ा कम है, वैसे रश यहाँ लगा रहता है दिन के टाइम पे आया है। तो अभी यहाँ बैठ के आराम से आपका भाई फिश ट्राई करता है, फिर आपको फिश के सीन दिखाता है। तो अभी देखते हैं आपका भाई कौन सी फिश ट्राई करता है, अभी वहाँ चल के देखें कौन सी समझ आ रही है, वो वाली फिश ट्राई करेंगे। दिल तो करे फिंगर फिश ट्राई करने के, बोनलेस होती है ना वो, तो वो ट्राई करते हैं। भाई मैं तो फिंगर फिश ट्राई करने का मूड में था, लेकिन यहाँ के मुझे बंदों ने कहा भाई यहाँ के सबसे फेमस जो है वो मुश्का है। तो आपको भाई अभी मुश्का ट्राई कर रहे हैं, मुश्का देखते हैं कि क्या हिसाब है, और मुश्का किलो का हिसाब है, हर फिश यहाँ किलो का हिसाब है। तो अभी मुश्का वो फ्राई होते हुए आपको दिखाता हूँ थोड़ा, आ जाओ। ओए भाई कौन सी फिश है उस्ताद जी? ये फिंगर फिश है मेरे भाई। फिंगर फिश है भाई, ये फ्राई हो गई है या नहीं? ये हाफ डन है। इसको हाफ डन है भाई, हाफ डन करके लोग रख लेते हैं, फिर जैसे ही ऑर्डर आते फिर फुल फ्राई करते। ओए हो भाई, भाई ये लोग ना पहले हाफ डन करके रख लेते ताकि कस्टमर डिस्टर्ब नहीं हो, फिर आराम से फुल फ्राई करके कस्टमर को दे देते। तो अभी हम भी चलते हैं अंदर बैठ के वेट करते हैं अपनी फिश का, मुश्का फिश का। भाई आपको भाई ट्राई करने वाले मुश्का फिश, वही वजीराबाद की सबसे फेमस मुख्तियार फिश में, आ जाओ। भाई आपके पास, भाई के पास आ चुकी है वजीराबाद की सबसे मशहूर मछली, और आपका भाई ट्राई करे कौन सी फिश, जैसे कि आपको पता है मुश्का। तो भाई अभी देखने में तो काफी क्रंची लग रही है, और ये देखो भाई, ओए 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 भाई काफी क्रंची है, और इसकी जो एक ही हड्डी होती है जो बीच की है, वो इन लोगों ने खुद ही मतलब ऐसा बनाया कि वो खुद में खुद ही अलग हो गई है। तो अभी हम इसे रोटी से ट्राई करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या सीन है, और इसके साथ इनकी जो स्पेशल चटनी है ना, सारे गेम इसके सुना है मैंने। तो
और ये भी, और बिल्कुल गाड़ी गाड़ी ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी का इस्तेमाल हुआ हुआ है। चेक करते भाई। ओए 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 भाई ये है इधर की मुश्का। ओए 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 इसको टच करते ही ये देखो भाई। ओए 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 भाई ये देख रहा आप अभी इसका, आपका भाई अभी ट्राई करता है इसको। काफी क्रंची है जैसे कि आपको आवाज आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आपके भाई ने इसको इसकी जो व्हाइट वाली दही वाली चटनी है उसमें डिप किया और उसके बाद ब्लैक वाली में डिप करता है भाई, ये चेक करो। ओए होए होए इतनी मजे की है ना कि मैं इसके साथ किसी फिश को कंपेयर नहीं कर सकता भाई, इतने मजे की है और इतनी क्रंची है जैसे लग रहा है कि रोज ट्राई कर रहा हूँ मैं। और फिश मुझे पसंद नहीं है लेकिन जब मैंने इस फिश को ट्राई किया ना, कसम से बहुत मजे की फिश है। अगर आप लोग वजीराबाद आओ ना तो लाजमी ट्राई करना क्योंकि बहुत ज्यादा मजे की है। और मुश्का ही ट्राई करना क्योंकि मुश्का बहुत मजे की है। देख रहे हो आप कितनी गली हुई है, मतलब ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो भाई, इतनी वीआईपी फिश ना बनी हुई नहीं होती सही बताऊं। और मैंने तो कराची में भी फिश ट्राई की है लेकिन ये वाला मजा नहीं आया मेरे को। तो आपके भाई का दिल करा एक और बाइट लेके आपको बताने का, क्योंकि इसके जैसे जैसे टेस्ट बढ़ता जा रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट आ रहे हैं मुंह में, ये चेक करो भाई। और चटनियों की तो अलग ही बात है भाई, ये चटनियों के बिना ये फिश कुछ भी नहीं है, जो चटनियां इनकी है ना बहुत मजे की भाई, बहुत ज्यादा। तो भाई आपके भाई ने जो फिश ट्राई की वो काफी डिफरेंट थी, मतलब कराची में इस टाइप का टेस्ट नहीं है और हर जगह का अपना अपना टेस्ट है। जैसे आप लोगों को पता ही है जैसे गुजरात और इन जगहों का अपना टेस्ट है, हैदराबाद का अपना टेस्ट है और यहाँ वजीराबाद का अपना टेस्ट है। लेकिन यहाँ की फिश की जो सबसे डिफरेंट बात है वो अभी हम पता करेंगे इनके ओनर से जो हमारे साथ है, उनसे बात करके अभी आपको बता दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये आपकी फिश में ऐसी क्या बात है जो इतना अच्छा टेस्ट कर रही है और इतने सारे लोग आपकी फिश ट्राई करने आते हैं? हालांकि वजीराबाद के लोग भी तो आते हैं लेकिन बाहर से भी लोग आते हैं ट्राई करने, मतलब क्या खास बात है? हमारे जो है ना वो 80% लोग जो है ना वो दूसरे शहरों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी अच्छी होती है। दूसरा ये है कि हम क्वालिटी वाइज जो है ना वो बेहतरीन चीज लेके आते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो। दूसरों से 100-200 रुपए हम कच्ची जो है ना वो महंगी खरीदते हैं, ठीक है, इस वजह से। और ये आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? ये तकरीबन 20-25 साल हो गए। 20-25 साल हो गए माशाल्लाह भाई, 20-25 साल हो गए लेकिन टेस्ट में बहुत आ रहा था। तो मेरी रिकमेंड ये है कि आप लोग और यहाँ वजीराबाद आओ तो इसकी मुश्का फिश ट्राई करो, जो मैंने ट्राई की बहुत आला थी। तो अंकल इसका एड्रेस अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो कौन सी जगह में है वजीराबाद? ये वजीराबाद में हमारी तीन ब्रांच है, ठीक है जी। एक बाईपास वजीराबाद पिंडी बाईपास पे, अच्छा ठीक है, ये रेल बाजार चौक है, दो है इधर, ठीक है, रेल बाजार चौक सर्कुलर रोड पे दो है, ठीक है, और एक गुजरांवाला मॉडल टाउन में। अच्छा आपकी गुजरांवाला में ब्रांच है माशाल्लाह। और सबसे पहली ब्रांच जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वो ये भाई, इन्होंने यहाँ से माशाल्लाह अपना कारोबार का स्टार्ट लिया और इतना वीआईपी टेस्ट वाली फिश होगी तो कारोबार चले गई। आज माशाल्लाह से इनके तीन ब्रांचे हो गई लेकिन फिश बहुत आला थी। और इनकी सबसे खास बात जो थी उनकी चटनियों की थी, वो चटनियां बहुत डिफरेंट है। चटनियों की क्या खास बात है, चटनियों में क्या मिला रहे हैं? हम काफी 6-7 चीजें मिलाते हैं और बहुत गाढ़ी गाढ़ी थी, मतलब ऐसी नहीं थी कि पानी वाली हो। आलू बुखारा पुदीना होता है, उसमें धनिया होता है, अच्छा, फिर वो जीरा डालते हैं, अजवाइन, आलू बुखारा, ये काफी चीजें डालते हैं। तो अगर कोई वजीराबाद घूमने आ रहा हो तो उसके लिए आखिरी क्या मैसेज है, वो कहाँ पर घूमे, कहाँ जाए? वजीराबाद सारे अल्हम्दुलिल्लाह देखने वाला है, पुरानी चीजें इधर। हाँ जी, और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि माशाल्लाह ये हमारा स्टेशन जो है ये पंजाब में इतना बेहतरीन स्टेशन किसी जगह पे भी नहीं। अच्छा, वजीराबाद का भाई जो स्टेशन है उस तरह का पूरे पंजाब में कहीं पर भी नहीं, क्योंकि इसकी एक डिफरेंट वाइब है। तो अभी आपके भाई ने फिश ट्राई किया, अभी छो भाई पहले चक बर्फी ट्राई करने वाला है, आ जाओ भाई।